नमस्कार भैया वाहन, अभी हम लोगों ने बात किया, आपने अगले वीडियो में इससे पहले देखा, ईटिंग डिसऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसकी हम लोगों ने प्रकार के बारे में पढ़ा और उसके क्या नाम से कारक के बारे में पढ़ा। अब उसके हम लक्षण के बारे में जान रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या है। उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, जो इससे एनोरेक्सिया नर्वोसा से जो ग्रसित लोग होते हैं, अब वो अगर उनसे कोई बात की जाती है कि आप इससे ग्रसित हैं, तो वो अपने को क्या महसूस करते हैं कि ना मैं किसी रोग से ग्रसित नहीं हूं। जो कि उनको लोग, उनके खास लोग या कुछ अपने लोग बताते कि आपको ये समस्या है, कोई बीमारी ना होने के बावजूद भी उनका क्या होता है, वजन कम होता जाता है, किंतु वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो किंतु अगर ध्यान पूर्वक उनका अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण पाए जाएंगे। जैसे नंबर एक फर्स्ट लक्षण क्या है, इससे हम देखकर पता लगा सकते हैं हाँ कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है। नंबर एक फर्स्ट है, पहला जो है वो है एक्सेसिव वेट लूज, यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसके शरीर के भार में कमी, वो किसी रोग से ग्रसित भी नहीं है किंतु उसका भार घटता जा रहा। क्यों? क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति कम कैलोरी लेना पसंद करते हैं, जिससे उसका वजन धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो उसका वजन घटता चला जाता है किंतु वो उस पर ध्यान नहीं देता है। लोग बताते भी कि आपको कोई रोग नहीं है तब भी आपका वजन घट रहा है, इससे यानी कि उसका भार कम होता जा रहा है, जो हमको एक लक्षण दिख रहा है कि हाँ ये इस रोग से ग्रसित हो सकता है। दूसरा क्या है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी कि अत्यधिक व्यायाम। ऐसे लोग, ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति अगर उनके अंदर कोई कैलोरी चली भी जाती है, ग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक व्यायाम करके उस कैलोरी को कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ने ना पाए, अर्थात बहुत अधिक वजन ना होने पाए। तीसरा है वो है फीलिंग टू फैट, यानी कि मोटापे की भावना। उस ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति में यह भावना बनी रहती है कि व्यक्ति कहीं अधिक, यानी कि मेरा वजन कहीं अधिक बढ़ न जाए, और बढ़ जाए तो मैं कहीं अधिक मोटा ना हो जाऊं, उसके अंदर ये समस्या या शंका बनी रहती है अगर कोई व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है। और चौथा है स्ट्रेंज फूड रिटुअल्स, भोजन करने की विचित्र परंपरा। ऐसे लोग क्या करते हैं, अक्सर समारोहों में, पार्टियों में, कोई फंक्शन में क्या करते हैं, भोजन करने से अपने को बचाते हैं कि वो, या अगर करना भी पड़ता है तो दिखावा करते हैं, अर्थात या अधिक चबा कर खाते हैं, थूकने का उसको प्रयास करते हैं। पांचवा जो है प्रिटेंड टू ईट, यानी कि भोजन का दिखावा करना। क्या करते हैं ऐसे लोग, अगर वो कहीं भोजन करते भी हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि आपने भोजन किया, तो क्या कहते हैं, हाँ आज मैंने बहुत भोजन कर लिया, किंतु क्या करते हैं, बहुत अल्प मात्रा में भोजन करने का प्रयास करते हैं, दिखावा करते हैं कि हाँ मैंने बहुत भोजन कर लिया, किंतु भोजन ना के बराबर करते हैं। और जो छठा है इसका पॉइंट, वो है
अफ्रेड ऑफ गेनिंग वेट, यानी भार बढ़ जाने का भय बना रहता है। ऐसे लोगों को अक्सर मन में शंका बनी रहती है कि कहीं मेरा भार बढ़ ना जाए, वो निरंतर इस बारे में सोचते रहते हैं। तो ये था कुछ लक्षण जिनको देखकर हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है। अब हम इसके जानते हैं प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में। टाइम हो गया 4:44 अब हम इसके बचाव के बारे में जानते हैं। अगर हमको पहले से पता चल जाए कि ये व्यक्ति एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है तो उसके बारे में कुछ बचाव किया जा सकता है। जैसे नंबर एक फर्स्ट क्या है, अक्सर ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, यानी कि उनको चिढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन छोटे बच्चों को मना करना चाहिए कि आप उनको मत चिढ़ाए कि आप बहुत दुबले हैं, बहुत मोटे हैं। दूसरा है उसको जो है उसको वास्तविक रूप से उसको अपने भार का वजन पता होना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन कितना होना चाहिए। बच्चों को अक्सर बताना चाहिए कि आपकी लंबाई के अनुसार आपका इतना वजन होना चाहिए। तीसरा जो कारण है वो कारण क्या है, तीसरा कारण ऐसे रोगों से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं एनोरेक्सिया से, उनको विभिन्न क्रियाओं से, विभिन्न स्थानों से, समारोहों से उनको दूर रखना चाहिए। तो ये थे बचाव। अब हम इसके बारे में क्या जानते हैं, इसका मतलब यानी प्रबंधन और उपचार के बारे में। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। अब हम इसके प्रबंधन और उपचार, एनोरेक्सिया के प्रबंधन और उपचार के बारे में जानते हैं। देखिए ऐसा है, एनोरेक्सिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उनको कुछ चीजों को पहले बताना चाहिए, जैसे वो वास्तविकता का सामना करें, अपने भार को पुनः पाने का प्रयास करें। तो ये सब उनको ये प्रबंधन या उपचार है जो ग्रसित व्यक्ति को बताया जा सके। नंबर एक, जैसे फेस द रियलिटी यानी वास्तविकता का सामना, जो ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं वो वास्तविकता का सामना करें कि हाँ वास्तविक रूप से मेरा वजन कम है या मैं उस रोग से ग्रसित हूं। तो ये उनको बताना चाहिए कि आप वास्तविकता का सामना करें। दूसरा जो है वो है रीस्टोरिंग हेल्दी वेट, यानी कि स्वस्थ भार को पुनः पाने का प्रयास। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अगर उसका वजन कम है तो अपने भार को पुनः पाने का उसको प्रयास करना चाहिए, जब तक कि उसका वास्तविक भार उसकी लंबाई के अनुसार न हो जाए। उस व्यक्ति को ये निरंतर प्रयास करना चाहिए अपने वजन को बढ़ाने के लिए। तीसरा जो है वो है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, यानी मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक उपचार। ऐसे व्यक्ति जब तक स्वयं अपने मन से अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक वो खुद ठीक नहीं हो सकता दूसरे के कहने के अनुसार। यानी उस व्यक्ति को अपना खुद विचार करना होगा, अपना मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क उपयोग करना होगा कि हाँ वो मैं वास्तविक रूप से इस रोग से ग्रसित हूं। चौथा है मेडिकेशन, मेडिकेशन ही औषधि। अब जो एनोरेक्सिया नर्वोसा से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो डिप्रेस
क्योंकि भोजन कम करते हैं, तो भोजन जब कम करते हैं तो उनमें तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं, अर्थात तो कुपोषण का शिकार हो सकता है, और जब कुपोषण का शिकार हो सकता है तो जो शरीर से कमजोर भी हो सकता है, तो वो डिप्रेस्ड या तनाव में रह सकता है। किंतु इन और चीजों का तो इलाज नहीं, किंतु उसके डिप्रेशन तनाव के अवसाद को कम करने की औषधियां आती हैं, जिनको थोड़ा सा औषधियों के द्वारा उसके रोगों को या उसको कम किया जा सकता है, अर्थात उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, या एनोरेक्सिया को थोड़ा सा रोका जा सकता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने को थोड़ा सा धीरे धीरे स्वस्थ बना सकता है। तो ये थे आपके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, यानी कि एनोरेक्सिया का प्रबंधन और उपचार, ये वीडियो आपको बताया गया। अब जो ईटिंग डिसऑर्डर का जो दूसरा प्रकार था, ब्लूमिया नर्वोसा, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।